खबर उन्नाव से है, जहां एक पत्रकार को सच्ची खबर दिखाना महंगा पड़ गया। कुछ दबंगों ने पत्रकार के परिवार के साथ मारपीट की। वहीं पत्रकार ने सदर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं सदर कोतवाली में तत्काल विपक्षियों के ऊपर मुकदमा लिखा गया। सदर कोतवाली पुलिस विपक्षियों को पकड़ने के बजाय 48 घंटे बाद पत्रकार पर उल्टा झूठा मुकदमा लिख दिया। आज दर दर भटक रहा प्रिंस ठाकुर, पत्रकार नहीं मिल रहा न्याय। हिंदुस्तान लाइव न्यूज के पत्रकार प्रिंस ठाकुर को जब उन्नाव पुलिस से न्याय नहीं मिला तो वो लखनऊ आईजी ऑफिस पहुंचे और अपना दर्द बयां किया। क्या नाम है बताओ भाई साहब? मेरा नाम प्रिंस ठाकुर है, मैं हिंदुस्तान लाइव न्यूज का मंडल ब्यूरो। आज आप कहां पर आए हुए हैं भाई साहब? मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आया हूं। लखनऊ में कहां पर आए, किसके हुए? भाई साहब मैं लखनऊ में आईजी ऑफिस आया हूं। ये देखिए आईजी ऑफिस है, ये देखिए सामने बिल्डिंग है आईजी ऑफिस। क्या मामला है जो उन्नाव छोड़कर आज आप लखनऊ में आए हैं? जी, उन्नाव पुलिस प्रशासन ने मेरे मामले पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं आईजी ऑफिस आया हूँ। आईजी साहब पर पूरा मुझे विश्वास है। मामला ये है कि 19 तारीख की घटना थी, मेरी माता व बहन पर हमला हुआ था, जिस कारण मैंने उन्नाव सदर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया था, जहाँ पर तत्काल पुलिस ने मेरा FIR लॉन्च किया। लेकिन 48 घंटे बाद मेरे विपक्षी लोगों ने मेरे ऊपर क्रॉस मुकदमा लिखवा दिया। अब सोचने का विचार यहाँ पर यह है कि 48 घंटे बाद उन्नाव सदर SHO साहब ने किसके दबाव में मेरे ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया? क्या उनके पास किसी नेता का दबाव आया या गांधी जी चले? अभी तो जांच का विषय। तो अगर यहाँ से आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप कहाँ तक जाओगे भाई साहब? उसके लिए मेरे पास जेब में लेटर रखा हुआ है, मैं देखिए आपको दिखा दूँ। उसके लिए मैं दिल्ली जाने के लिए तैयार हूँ। दिल्ली में जाऊँगा, दिल्ली, और दिल्ली में मैं अपनी बात रखूंगा, जहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रहते हैं। PO में ऑफिस जाऊंगा, बात रखूंगा। और मैं आपके वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैंने अगर जिस व्यक्ति के लिए सहायता किया है, आपका भाई, आपका बेटा, आपका लड़का, आपका दोस्त, ये हिंदुस्तान लाइव न्यूज़ से प्रिंस ठाकुर बोल रहा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे इंसाफ मिल सके। ये जो क्रॉस मुकदमा लिखा गया है, क्या किसी सत्ता पक्ष के दबाव में लिखा गया? किसी सत्ता पक्ष के नेता ने दबाव डाला है कि प्रिंस ठाकुर को गिराओ, क्योंकि मैं आए दिन नेताओं, माफियाओं, गुंडों की खबर अपडेट करता था, ग्राउंड जीरो की खबर में चलाता था, जिससे मेरे काफ़ी रंजिशें बन गई। अगर मेरे ऊपर कोई हमला होता है, कुछ भी मेरे ऊपर दिक्कत होती है, अगर मैं इस दुनिया में नहीं आता, उसका जिम्मेदार उन्नाव के नेता व प्रशासन होगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।